हेलो एवरीवन, आज हम मिक्सचर कंपोनेंट को सेपरेट करने की सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को देखेंगे कि हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है वो क्या होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसका रोटेशन स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। अब उस रोटेशन हाई स्पीड मशीन में अगर आपने मिक्सचर कंपोनेंट डाल दिया, मिक्सचर कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तो जो लो डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर की तरफ भागते हैं, जबकि हैवियर पार्टिकल्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बॉटम की तरफ जाते हैं। तो हैवियर पार्टिकल बॉटम की तरफ क्यों जाते हैं, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हैवियर पार्टिकल बॉटम की तरफ भागेंगे, ठीक है, और लाइटर पार्टिकल सरफेस की तरफ जाएंगे। तो मिक्सचर कंपोनेंट को हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं अगर मिक्सचर कंपोनेंट में लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट है जिनमें डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो ऐसे कंपोनेंट का सेपरेशन हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड द हायर पार्टिकल स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हाइल द हैवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो मिल्क से क्रीम का सेपरेशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू किया जाता है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल ले लें, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड जो है ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब को हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख दिया, तो क्या होगा, तो हमने पाया कि जो RBCs थी वो सबसे हैवी थी, तो RBCs जो है वो नीचे मिली, फिर इधर पे हमको WBC मिली और प्लाज्मा, ये हमारा WBC का पार्ट है, ठीक है, और प्लाज्मा जो है हमको चूंकि लाइटर होता है तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मिला। तो ब्लड के कंपोनेंट को भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं, तो ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है। फिर यूरिन में अगर किडनी स्टोन प्रेजेंट है या ब्लड के सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसका सेपरेशन भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू करते हैं। करना क्या है, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें यूरिन सैंपल को लेना है, यूरिन सैंपल हमने ले लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसको रख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इस यूरिन सैंपल में किडनी स्टोन या ब्लड सेल्स हैं तो वो तो बॉटम में रह जाएंगे और आपका वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है ना। फिर जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, तो बेड क्लॉथ को स्क्वीजिंग जो करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही वहां पे अप्लाई होता है। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।